हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्पिनल मोबाइल ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार हम इसे अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाके स्पिनल लिख के आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर आपको स्कूल से एक लिंक भेज दिया जाएगा जिससे आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। आपको एक साइड एड्रेस मिलेगा जिसको आपको अपने क्लासेस के लिए कनेक्ट करना है। ये साइड एड्रेस आपको वहीं पे मिलेगा, आपको इसमें कोई चेंज नहीं लाना है जब तक स्कूल आपसे ना बोले। स्कूल से आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, आपको उस पासवर्ड और यूज़र नेम को यहाँ पे क्लिक करना है या लिखना है। जब एक बार आप पूरी रीति से लॉग इन कर पाएंगे तब आपको एक पेज दिखाई देगा जो कि आपको आपके क्लासेस की डिटेल के बारे में बताएगा। फिर लेफ्ट साइड में एक मेन्यू ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर आप माय कोर्सेज एक ऑप्शन में जाकर के आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। कोर्सेज में आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं जिसको आपको पढ़ना या देखना है। जैसे आप उस सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो उस पेज पर आपके उस सब्जेक्ट की पूरे चैप्टर्स और टॉपिक आपको दिखाई देंगे। हर एक फाइल जो है या फिर एक इमेज के रूप में होगी या वीडियो के रूप में होगी जो आपके टीचर आपसे शेयर करेंगे, आप उन फाइल में जाके क्या है क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। अपने होमवर्क या असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए आपको अपने एक्सरसाइज या फिर आंसर या आपके सॉल्यूशन की आपको फोटो लेनी पड़ेगी, जो आप लिखेंगे अपनी किताबों में या कॉपी में उसके आपको एक फोटो लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप ऐड सबमिशन ऑप्शन में जाके क्या उसे डाल सकते हैं। आपको क्लिक ऑन ऐड फाइल ऑप्शन में आपको क्लिक करना है ताकि आप अपने टीचर्स को अपने असाइनमेंट या फिर अपने होमवर्क को आप के जो फोटो है उससे आप सबमिट कर सके। आप फोटो वहीं पे भी ले सकते हैं आप, या फिर अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो आप फोटो एल्बम ऑप्शन में जाके क्या है उन फोटो को क्या है अपलोड कर सकते हैं। जब आपकी जो फाइल नेम है जो आप अपलोड करने वाले हैं जब वो आपके इस पेज आपके नेक्स्ट पेज में दिखाई देगी तो आप सेव बटन में जाकर उसे क्या है कंप्लीटिंग अपलोड के लिए आप डाल सकते हैं। जैसे ही आपकी फाइल सेव हो जाएगी पूरी रीति से तो जो भी आपने सेव किया हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स आपको आपके डिस्प्ले में दिखाई देगी, तो आप उसे कन्फर्म कर सकते हैं या फिर आप उसे एडिट कर सकते हैं या उसमें अगर कुछ चेंज करना है आपको तो आप उस वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब क्यूज़ या फिर क्लास टेस्ट के लिए आपको एक पेज इस प्रकार दिखाई देगा, आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा और आपके हर एक टेस्ट के लिए मार्क्स को भी क्या है दिया जाएगा। आप अटेम्प्ट क्यूज़ या फिर टेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके क्या है आप शामिल हो सकते हैं। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे ऊपर अगले पेज में आपको उस पेज उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, फिर आपको स्टार्ट अटेम्प्ट फॉर क्वेश्चंस के लिए आपको क्लिक करना है। हर एक जो क्वेश्चन है वो एक के बाद एक दिखाई देगा, एक साथ में नहीं आएगा, एक एक करके आएगा। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, उसको आपको आंसर देना है नीचे जाके, और जब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्लिक करना है। जब आप पूरी रीति से अपने क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे या आपका टाइम जब खत्म हो जाएगा तब आपके स्क्रीन पर एक ऑप्शन आएगा सबमिट द क्वेश्चंस, उसके ऊपर आपको क्लिक करके अपने टेस्ट को सबमिट करना है। जब आप पूरी रीति से सबमिट कर पाएंगे तब आपको उसके रिजल्ट है वहीं पे मिल जाएंगे, वहां पे आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं ग्रेड के रूप में, और हर एक क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया है वो आपको उसका आपको ग्रेड मिलेगा जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, और फिर उसके बाद आप ग्रेड्स ऑप्शन में जाके अपने टेस्ट के टोटल ग्रेड आप देख सकते हैं जो आपको असाइनमेंट या फिर टेस्ट से मिले हैं। तो इस प्रकार आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।